दारन नदी के धार जवानी है उतर जाई सिंगार रूप के पानी है उतरी जाई देह माटी कह जवन तू समर ले पारू एकरा में सोना के पानी है उतरी जा खनक तक नना लगत सुनयना खनक तक नना लगत सुनयना जिनकी भैला बा पहाड़ परदेसी पिया हे राजा जी परदेसी पिया तोहरा बिन लागता बुखार लगत सुनयना अरे जिनकी भैला बा पहाड़ पर देसी पिया तोहरा बिना लगत बुखार साथियों हम गायक कलाकार अशोकलाल यादव आप लोगों की बेहद मांग पर एक कांड प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक होगा आवारा पति उर्फ लक्ष्मी नारी बिरहा में चार लाइन भूमिका भैया शान सोहरत किसी की विरासत नहीं बस खुदा का दिया यारो उपकार है जिस जवानी की ऐठन में पागल बना वह जवानी भी कुदरत का श्रृंगार है ना भरोसा है तो पढ़ लो इतिहास को हर फरिश्तों का चेहरा मचल जाएगा क्या कहूं इस जमाने की बंदिश पड़ा सोच कर चलने वाला संभल जाएगा अच्छा साथियों क्या कहूं इस जमाने का बंदिश बड़ा सोच कर चलने वाला संभल जाएगा एक लाइन कव्वाली कर ला जाबा
शराब पीके गिट्टी पर गिरल बा रोड के बगल में, दीवानी के बियाह के दिन पड़ल बा। विनोद भैया राजन बाबू दिवाली इशारा कैलस का हो उठा, दिवाला काला तो हाल ब्याह होता ना, जा जा तो जा दिवाली कल हमार बियाह तो हो था तो हूँ कई बढ़िया लड़की देख के बियाह कला। आई रिश्ता का जब सवाल है स्वर्ग में रिश्ता तय होला, यहाँ के तय ना कर पवला वही से जोड़ी बन के आवेले भाव ऐसे कैसे हो जाई। दीवाना बताओ था राजन बाबू ऐसे कैसे हो जाई, मोहब्बत का सौदा के धरौदा हो टूट के बिखर जाई, प्यार के धरौदा हो। देते हैं कभी भाव, कितना सुंदर लाइन है। आदमी बदल जाला है, आदमी बदल जाला, समय को तका जा हो। जब लखुदा रूठी ना तब ल दुनिया छुटी ना, छोड़ के फसल जाला समय का तकाजा कही के मुकर जाला, समय को तका जा। देते हैं कवि नजम का भाव, होती है कहानी की शुरुआत। कैसे मास्टर सुनाऊ दोस्तों अजीब ये कहानी से, सुनाऊ दोस्तों अजीब ये कहानी से, धरा ये काप गई आज के निशानी से। प्रांत हरियाणा में हिसार जिला नामी है, हरियाणा में हिसार जिला नामी है, वहीं की घटना यारों बन गई सुनामी है। पिता सुरजीत कर
गरीबी में दिन बिताते पिता सुरजीत गरीबी में दिन बिताते हैं, बेटा जोगिंदर को वो शौक से पढ़ाते हैं। भाईल सगाई घर में सुंदर दुलैया आयली, भाईल सगाई घर में सुंदर दुलैया आयली, खुशी परिवार में उच्चा जस दुगई आयली। ए भैया हिसार जिला ग्राम धर्मपुर का घटना बा, बाप का नाम सुरजीत, माई का नाम सुशीला, एक गो बच्चा पैदा भेल ए राम बच्चन भैया, एक ही बच्चा पैदा हुआ, अभी बच्चा 6 दिन का था, माँ इस दुनिया को छोड़ चली, भाई बचवा के छोड़ के दुनिया के छोड़ चली। सुरजीत गांव के बगल वाली नदी में ले जाके दास संस्कार कैलन, ए भैया लड़का के जियावे लगलन खियावे लगलन, धीरे धीरे लड़का सयान भेल जवान भेल, पढ़त लिखत इंटर पास जब कैलस तो सुरजीत के लोग कलस किए, भैया अपने लड़का के बढ़ा के पढ़ा दा, पढ़ला लिखला में बड़ा नीक बा, ए भैया पढ़ावे लगलन बीए पास लिखा कैलस। गांवपुर के लोग का सहयोग मिलल, बिटिया का बेटवा का शादी के दिल, दुल्हन बन के मीना घर में अली, सुहाग रात मनावे बदे जोगिंदर जब सुहाग गृह में गया तो दुल्हन रोने लगी, चारपाई से उतर के दुल्हन चटाई पर बैठ के रोवे लगल और जोगिंदर भी रोने लगा। दुल्हन सवाल करे लगल कि ए जी हम तो गरीब बड़ी रोवत है, आप काहे रोवत हुआ। जोगिंदर कहा कि अरे मीना, अरे मीना, अरे पगली मीना, मेरे दिल की हार्दिक इच्छा थी रे मीना कि मैं आगे की पढ़ाई और करूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है रे पागल कि मैं आगे की पढ़ाई करूं। मीना रो के अपने सैया के समझावे लगल एक लाइन तरस ब मास्टर, कौनो मेहरारू कहले रहल चढ़ली जवानी हमार, चढ़ली जवानी हमार, अरे भइल बा कालू जी रे भौजी, चढ़ली जवानी हमार, भाई बाग का लौजी रे भौजी, कि भौजी रे पियावा पसैला हमरो सऊदी रे भौजी, कि भौजी रे हिंदो के कलस का कलस ए जी सुनी, अनपढ़ी गवार बाटी तोहरो लू गैया ये सैया, बड़ी गवार बाटी तोहरो लू गैया ये सैया, कि सैया हो चल जाना हमारा के अन गैया ये सैया, कि सैया हो
सारी खुशियां। ए जी सुनिनु तू मिल गई ला ना। जोगिंदर रोवे लगला रे पगली। आए मीना मेरे घर में एक टूटा अन्न का टुकड़ा नहीं है रे। मैं पढ़ना चाहता हूँ कैसे पढ़ूंगा, इसी बीच में तू आ गई तो सुन। मेरा इच्छा थी, मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं पीसीएस करूंगा। दुल्हन रो के कलश की सुने। जीवन का सारी खुशियां तोहके लूटई बहो। तू परिहार राजा हम जाके कमई बहो। मेहनत का फल कहियो तिहा गो सैया ये सैया। मेहनत का फल कहियो तिहा गो सैया ये सैया। कि सैया हो चल जाना हमारा के अन गैया ये सैया। सैया हो राजन बाबू। दुल्हन अपने पैर की पायल और कमर कर धनी और दुल्हन के जो सुहाग का प्रतीक होता है, मंगल सूत्र निकाल करके अपने बालम के पैरों पर रख देती है। जा जा सैया जा जा, बेच के बाजार में तू अपन एडमिशन करा ला, पीसीएस करा। जोगिंदर पीसीएस करने लगा बाबू। पीसीएस के दौरान जोगिंदर पीसीएस पास कर लिया, रिजल्ट पेपर दे दिया, रिजल्ट आने वाला था। यार दुल्हन के पेट में बच्चा पलत बा, डिलीवरी होके वाली बा, सुबेर वक्त टाइम बा। 4 बजे भोर में मीना एगो बच्ची के जन्म दिली। अपने बालम से बुला के एक बात कली, ए सैया घर में टूटल अन्न का टुकड़ा ना बा, और बाबूजी से कह देता जहां मजदूरिया करे जालन वहीं से कुछ ले आवो बन जाई घर में, तो दुख और भोजन के लिया। आज दुल्हन इतनी बात सुन करके जोगिंदर घर से निकला। बाबूजी से कहा कि पापा, ए पापा हमारी बच्ची पैदा भई है, बाप तो फूलो नहीं समा रहा है, मेरे बेटे को बच्ची पैदा हुई है, बड़ी खुशी है। लेकिन इशारा कर दिया बेटा कि पापा अन्न का टूटल टुकड़ा घर में ना है, लेके होता वहीं से बन जात। फरुहा पला कान पधैलन, नीम से दतुवन तोड़ के पेड़ से आ चले लगलन। तब तक कुछ दुर्बलन डाकिया लेटर लेकर के आ गया, एक लाइन तर्ज लगल मास्टर। वह तर्जमा कौन हूँ मेहरारू कमरत जाए लगलन बंगाल कमाए। मेहरारू ये कहलस, अरे कहला डूबी मर बाये राजा जी, ए बलम जी कहला डूबी मर बाये राजा। चाही बाजो पूर्व के दसवा डूबी मर बाये राजा। ओही पूर्व देशावा में बस बंगली लिया हो, जा
पीवा चलई के मतिया जादुआ चलई के मतिया घेर ली है राजा चई बजो पूर्व के देसावा तू भी मर भये राजा चई बजो पूर्व के देसावा लेकिन भैया का कहलस्मीना रोवे लगलिए बाबू रोवे लगलिए बाबू मीना माया नवा देखबा साईया के भूखिया से साईया के भूखिया सेली कापला बदलवा देखबा रोवे लगलिए बाबू नीला माया नवा देखबा और रो रही है मीना साजन को भेज देती है लेकिन भैया तो कुछ है दूर जोगेंद्र का बाबू सुरजीत बढ़लन तो भैल का डाकिया लेटरवा जाबा हो लला समालावा हो रोवेला जोगेंद्र झर झर रोवेला जोगेंद्र झर झर बरस नया नावा हो पीसीएस पास कैला देखा पीसीएस पास कैला देखा सुरजीत का सुगनवा देखबा रोवे लगल है बाबू जोगिंदर समनवा देखबा जोगिंदर के पिता सुरजीत थोड़ी ही दूर आगे बढ़े तब तक डाकिया लेटर लेकर के आ गया और बताया कि भैया किसान भैया सुरजीत के घर कौन बा करण भैया सुरजीत तो मैं ही का बात बा करण तोरी बेटवा जोगिंदर का लेटर बा पढ़े लगलन जोगिंदर के बुलवा के बेटा पढ़ा का लिखल बा लिखल रहल पीसीएस पास कैला सुरजीत का बेटा एक किसान का बेटा एक मजदूर का बेटा एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा पीसीएस पास कर लिया है बाप फूलो नहीं समा रहा है लेकिन हे भैया बेटा जोगिंदर पापा के भरकवार भर के रोवे लगल की पापा अब तो के मजदूरी करे ना जाए के होई अब हम अधिकारी हो जाई ना बेटा अधिकारी हो जाइबा हमार दुख कट जाई बेटा बेटा आश्वासन दे दिया हाँ पापा कट जाएगा दुख मैं अधिकारी हो जाऊंगा लेकिन ए पंचो धीरे धीरे समय बीतल ज्वाइनिंग लेटर आ गया और जोगिंदर जाकर के ड्यूटी ज्वाइन कर लिया इसी दिल्ली शहर के बगल में एक हापुड़ जिला है वहीं पर एसडीएम बनकर के तैनात हुआ और एक बार दो बार तीन बार ड्यूटी करके जोगिंदर छुट्टी लेकर के घर आया है चौथी बार जब अइलन तो दुल्हनिया अपने बालम के पैर दबावे लगल रात कैठे बात कलस का कलस एक लाइन तरस बा वहां तरस बा माई का गली बेटी नियरा बिया बता बाबू का गला बड़ा दूरा हो आए
वाले भाई मेरी गीत पर गौर करिएगा। हाथ जोड़ा मीना कहाँ बलमा से बतिया था, हाथ जोड़ा मीना कहाँ बलमा से बतिया था, तोरी हाजन मोरा बिसावास हो। दुल्हन का कुछ लकात बाटी आतवा के जोलत बाटी ओत बाट हम किया बास हो, तोरी हाजन हमारे सा नहीं आकर डोरिया हो, तोरी हाजन हमारे सा नहीं आकर डोरिया था, ओत बाट हम किया रो रही है खलसे जी। आप टेस्टियम बन गेला, आपके ऐला में और गैला में बड़ा फर्क बस आए। ए जी तोरे पढ़ाई खातिर दुनिया के लोगन के गारी मारी सहली, चौका बर्तन कैली, अपने तन का सिंगार बेच देली, लेकिन ए जी हर दाई केला में अबकी दाई केला में बड़ा बदलाव बा। रोवे लगल मीना अपने सैया का पैर पकड़ के, जोगिंदर एसटीएम उठा, ए मीना पागल हो गई है तू, हमको निरक्षर समझ रही है, अनपढ़ गवार समझती है। रोवे लगल के साहेब हम अनपढ़ गवार निरक्षर न समझते, आप चलाक हुआ लेकिन हर दाई के इला से अब की दाई के इला में बड़ा बदलाव बा। इरफान बाबू रोके सवाल कैले सी है, एसडीएम छह दिन रहा चला गया, और छह दिन के आए में एसडीएम और मीना के संपर्क से गर्भ ठहर गया। एक महीना बीतल, दो महीना बीतल, तीन महीना बीतल, मीना अपने बालम के फोन लगावे लगल तो फोन के कोनो जवाब ना आवे, मोबाइल स्विच ऑफ बतावे। मीना रोवे लगल कि आखिर हमरा सैया के का हो गई। ए पंचो बीतत बीतत कुछ समय बीतल, नौ महीना दस दिन बीत गयल, मीना एक बच्चा के जन्म देलस। शिवरात्रि के दिन रहल अपने बचवा के गोद में लेके रोवे लगल, अरे बेटा अरे मुन्ना आइला ता, लेकिन तोहरी पापा का मुलाकात तुमसे न हो पाई बेटा। रोत भमाई धीरे धीरे मुनवा के जियावे लगल, खियावे लगल, चार वर्ष का बेटा हो गयल। एक दिन अपने माई से दीपावली के दिन सवाल कैलस, माई अरे पगली तू ना बतावेलू, ओकर पापा इलन ओके कपड़ा बनौलन हमाई, अरे पगली हमार पापा कब आई हमाई, तू काहे ना बतावेली रे पगली। रोवे लागल बेटा माई के कलेजवा में सूल बन के चुभे, मतारी अपने बेटा के समझौले से बेटा तोहार पापा ही हम देर बा, तोहार पापा होली में ना बोलन बेटा तो दीपावली में ही हा। मत रोवा बाबू संतोष के लस, जब दीपावली आई अपने माई से सवाल कैलस, का सवाल कैलस, ए पंचो की मम्मी अरे पगली दीपावली आ गई हमार पापा हमके कपड़ा न बनवई हमाई, होली होके तो गुलाल, दीपावली होके तो पड़ाका अपने बेटा के थमा दे, बेटा भुला जा। हे भैया पढ़त लिखत लड़का 13 बरस का हो गया, बिटिया 18-19 बरस का हो गया, मास्टर साहब एक लाइन तरस बदल गई, माई भीख मांगे लगल।
गोरी तोरी है राम, गोरी तोरी मुस्की छा अवलिया रे आर बलिया हिलावे, या बिना बरसे ना नवा हो, या बिना ढूर लना नवा हो, जैसे बरसे सवनवा, या बिना ढूर लना नवा हो, जैसे बरसे सयान भइल शादी का उमरिया, भीख मांग लगल उमीना गुजरिया, यश डीएम हमरो सावरिया हो, यश डीएम हमरो सा जलवा हो, जैसे बरसा है सवनवा, यश डीएम हमरो सा, भैया हो मतारी भीख मांगे लगल बिटिया 19 साल का हो गई, बेटा 13-14 साल का हो गया, माई भीख मांगत एक दिन गैल का सर ठीक लाई लगल मास्टर साहब, अरे के ही तो हक मरला ए जोगी के ही गरिया वाला, अरे के ही गरिया वाला हो, किया तिरिया बिरही बोलिया बोल लो राम, किया हो राम रे पागल के नहीं आया बापू घूम गौआ गौआ, अरे घूम गौआ गौआ हो, भिखिया मंगल हजर न हो रहा, किया हो रहा मारे भिखिया मंगाता बाबू दाई ली डगारिया, रे धई ली डगारिया हो, आई गई ले खपाल द्वार न हो रहा, किया हो रहा मारे भीख मांगती हुई मेरी साथियों मीना घर से बढ़ गई, कुछ दूर गई भीख मांगी कुछ चीज को, समझ में आ रहा 1 रुपया 2 रुपया दे रहा है, कह रही है कि भैया बस सिर्फ शादी का सवाल है मेरे, मेरी बेटी शयान हो गई है भैया, 1 रुपये 2 रुपये मदद कर दो भैया, मैं ज्यादा खजाना नहीं मांग रही। मीना मांगती हुई घर से दूर चली गई, लेखपाल साहब के दरवाजे पर पहुंच करके अलक लगाती है, लेखपाल साहब, अरे बाप रे बाप, मैंने सुना है लोग बताते हैं लेखपाल साहब गरीबों की मदद करते हैं, तो क्यों नहीं इनसे मैं मदद ले लूं, कलश के साहेब हमरी बिटिया का भी आप कुछ मदद कर दे साहब। मेरे साथियों लेखपाल साहब बुला करके अपने बेटे को 1,000 रुपया और 50 किलो चावल का बंदोबस्त कर दिए,
मीना जब 1000 रुपया ले लेलस, थोड़ी चावल बांध देलस, थोड़ी रख देलस के साहब दूसरे दिन आके उठा के लेके जाई। लेखपाल चलते समय उस मीना से पूछने लगा, ए बेटी, ए बेटी आप, अरे तेरा नाम क्या है रे, क्यों नहीं बताई? कलस मेरा नाम मीना है, घर कहाँ है? धर्मपुर। तो लेखपाल कहा, उसी गांव का रहने वाला एक मेरा मित्र जिसका नाम जोगिंदर है, पहले तो एसडीएम था, अब एडीएम हो गया, प्रमोशन कर गया। लेकिन ए साहब, इधर मीना जब खबर पोलस, कल से साहब तने उन्हू का एड्रेस बता देदा, उन्हू से भीख मांगब। मीना एड्रेस पता लेके घरे आई। लेकिन इधर जोगिंदर साहब एक प्रमिला नाम की डीएम साहब की लड़की से अपना लव मैरिज कर लिए थे और ऐसो आराम कर रहे थे। लेकिन यहाँ मतारी यार दुल्हन मीना अपने सैया खातिर ढुरकत बा, रुवत बा, मार सैया न इलन का हो गयल। लेकिन ये भैया जब खबर पोलस की डीएम हुआ तो अपने एड्रेसवा लेके अपने घरे आवत रहल, तो देखलस बेटा पढ़े जात रहल बस्ता कंधा बधाई के माई के देखलस, अरे पगली, अरे माई तू भुला जालू तोरे बेटा की स्कूल भी जाए के होला, दिदिया कुछ नहीं खी बनोले भोजन ना बहल, माई माई अपने बेटा के अचरा के छाव में दुलार देवे लगली है सुगा, आज स्कूल ना जाए के, हाँ आज तो के स्कूल ना जाए क्या, आज कलम दे दा, कागज दे दा, हम एक ठे लेटर लिखा, के लिखू ए माई, पापा के, अरे पगला तू जब कहता है तो शुभ कहता है, शुभ कहता है, तेरे पापा को लेटर लिखूंगी। ए भैया मतारी कागज और कलम लेके ठे लेटर लिखत बा, बिरहा में विदेशिया क्लाइन है, खांटी विदेशिया मास्टर, भिखारी ठाकुर गावे के। अरे पतिया लिखत मीना फाटे ले छतिया, कवन भइल हमसे कसूर, पैहा खबर स्वामी आईहा भवनावा, बिटिया के करिहा कल्यादान, अरे तोहरी पढ़ाई खातिर लाख हम उध्यापन गईली, बेची दिहली तन का सिंगार, पैया खबर स्वामी आईहा भवनावा, बिटिया करिहा कल्यादान, बिटिया के करिहा कल्यादान। एक लेटर लिख के मीना और पिसान से तोप दिलस ये राजन बाबू, तोप दिलस। लेकिन ई ना लिखलस की लेटरवा के लेके जाई, माई लिखे लगल, अरे पगला तू लेके जाई बा लेटर अपने पापा के ना, हम तो भुलाइए गईली। माई एक लाइन और लिखलस का यही भाव में, गोदिया कथा तिमार यह बात लेके जात बाटा, देखिया हमर भोलवा गवार, देखिया हमर सुगवा गवार हो। अरे लगल ए जी जे लेटर लेके जात बालो, हमार तो हर 5 दिन के मुलाकात में ये बच्चा पैदा भेल, जो ने बच्चा का नाम शिवरात्रि के दिने भोला रख देली, भोलवा हमार लेटर लेके जात बा, ऐसे या
काला में सुनला में हमरे बेटा से कोनो त्रुटि हुई ना, हमरे सुग्गा के माफ कह दिया साहेब, माफ कह दिया। आज लेटर लेके बेटा तैयार भेल। माई ए माई माई सुनत हो? हाँ बेटा, का कथवा बोला? ए पगली, हमार फटल पैजामा, फटल शर्ट, कैसे जाइब रे पगली? तनी केहू के मांग के दे दे तू, मतारी मंगलस ए पंचो, लेकिन केहू के न मिलल, मतारी बेटा के तेल लगा देलस, काजल लगा देलस, जाए हीरा, तो के बड़ा नीक लगत बा। हाय रे गरीबी कहां तक पहुंचा देती है। आज बेटा चलल है बिरहा में, कलाइन तरस बदल गया मास्टर। तो हम के चढ़ाई बमैया तो हके चढ़ाई बमैया इहरारियर सुनारियाओ की गंगा जी पार कई दा बोझाली लेवारियाओ की गंगा जी बेटा लेटर लेके आगरा शहर के लिए रवाना भेल। आगरा शहर स्टेशन पे आ गया बेटा, लेकिन ए पंचो भेल का अरोमा स्टेशन आल्हरा सुगा नवा हो लया नवा बरस हो लया नवा बरस बाबू का है बन गई ला बेगा नवा हो लया नवा बरस भुखिया पिया सिया से भूखिया पिया सिया से तरपला परालवा हो लया नवा बरस काहे पापा बन गईला बेगानवा हो लया नवा बरस लड़का रिक्शे पर बैठ करके एक रिक्शा वाला छोड़ा। अरे पगला, तू विपद का मारा है ना, मेरे रिक्शे पे बैठ जा रे बेटा, तुझसे कुछ नहीं लूंगा, कोई पैसा नहीं लूंगा रे बेटा, चल। छोड़ दिया एसडीएम साहब के बंगले तक और बता दिया वही ऊंची कुर्सी पर एसडीएम साहब बैठे हैं, एडीएम साहब बैठे हैं, हमारे जिले के बड़े ही गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों की मदद करते हैं। लड़कवा सचलस क्यों के पता ना बा कि हमार पापा हुमन। लड़का गयल, अब गयल तो आम के सोर पर बैठ गयल, माई के देहल थोड़ी रोटी थोड़ी तरकारी रख ले बा कि जब भूख लगी तो खाई। पापा मिल गई लग, पापा हमार हाल पूछिय, पापा के डांटब, तू मम्मी के भुला गईला, तू बाबा के भुला गईला, तू बहनी के भुला गईला ना, पापा के बहुत डांटा, लेकिन बैठल बा कि भीड़ बा ज्यादा, ए ड्रेस में जाई तो हमरे पापा का इंसल्टी हो जाई, बेइज्जती हो जाई। थोड़ी देर के बाद वह बालक जब भीड़ समाप्त हुई, सोचा पापा के पास जाऊं, तब तक पापा का फोन आया और पापा अपनी गाड़ी में बैठ करके जाने लगे। एडीएम साहब जब गड़िया में बैठ कर चाय लगलन, सोचे लगे लगत बा पापा से मुलाकात न हो पाई, हे भगवान पापा चल जइहा। उहा लेटरवा माई के देहल लेटरवा उठाई के वही में एक ठे पत्थर का टुकड़ा डाल के एडीएम साहब के चलत गड़िया में फेंक देलस, फेंकलस सरंगा के लाइन लग गई मास्टर। घरवा का मारल जाबा
बनवा में गईली अरे बनवा में गईली त लग गईल बनवा में आग जी का करे बन बेचारा जब फूटल कर्ममा लागल नसीबिया में आग हो घर कमारल बन में गईली बन में लगल आग बन बेचारा का कर जब अपने कर्म में लगल आग। कैलाश का बेटा गड़िया के पीछे पीछे दौड़ा सुगाना वायर दौड़ा सुगाना वाता लेटर दिया गड़िया पे डाल जी फेकता लेटारावा के देखल सिपहिया भैया देखल सिपहिया त मारे लगल लठियन का मार जी होई के बेहोश बेटा गिरल जमीनी आयर गिरल जमीनी आता माई माई करेला चिगार जी बेटा लेटर गाड़ी में जो ही फेंक रहा है बंगले का सिपाही देख गया रे साले मेरी रेडियम साहब की गाड़ी में तूने क्या फेंका है। लड़का रोवे लगल है साहब भूख लागल रहे रोटी मांगे खातिर साहब की गाड़ी के पीछे पीछे दौड़त रही हम कौनो चोर कौनो चक्का न साहब हमके माफ कह दा साहब मत मारा हमार माई सुनी हमरे बेटा के साहब लोग बहुत मरलन हे साहब माई हमार बहुत रोई साहब हम अपने माई के इकलौता बेटा ही साहब हमार बाबू का पता ना बा साहेब बीपत का मारल ही साहेब काहे के मारत हुआ बेटे को मारना चाहा पैर में तब तक अचानक बेटा गिर गया वह बूट पैर में नहीं लग करके उसके सर पे लग गया बाबू गर्दन के ऊपर अचानक वह बेटा भोला बेहोश हो गया हो सायल खड़ा बहल माई अरे पगली तो लेटर देलू पापा के देवे के ना अगर जियत रह तो तुमसे मुलाकात हुई मर जाई ए बेटा के अपने माप कह दिया माई माप कह दिया आज रोत बा रोता हुआ बालक लड़खड़ाता हुआ छोटी चार दीवार थी उसी चार दीवार पर जाकर के बैठ गया अचानक वह बेटा फिर बेहोश हो गया। लेकिन ए साहब बेटा बेहोश हुआ खाई में गिर गया यहाँ की बात यही छोड़िए एडीएम साहब गाड़ी में बैठ के जाए लगलन टेरी के लाइन बा एक बिरहा स्वर्गीय सम्राट बुल्लू दादा गांव है कहां डूबते को भी किनारा मिल गया डूबते को भी किनारा डूबते को भी किनारा मिल गया सपना लाखों लेकर चला है लाल दुलारा डूबते को भी किनारा मिल गया। बुल्लू दादा का अंदाजे लग रहा लेकिन बाबू रोत बा बेटा बेहोश हो गया और एडीएम साहब की गाड़ी चली है। जब बंगले से कार्यालय पर एडीएम साहब पहुंचे तो अल्हा कलाइन बा मास्टर पतिया पतिया पढ़ाता डीएम साहब घा पढ़ैला बाबू बरसे नया सूचल धामा
घर बेटा बेटा कही के रोवा साहब तान छनवा बाबू आज मोर खून हमर पजरा गई ना आया। सुनने वाले भाई गौर करिएगा, एडीएम साहब गाड़ी में बैठ करके जब कार्यालय पे गए तो ड्राइवर गाड़ी की साफ सफाई करने लगा। अचानक जितेंद्र बाबू गाड़ी में एक कागज का टुकड़ा ड्राइवर पाया और ड्राइवर कागज का टुकड़ा खोल दिया तो लिखा है सेवा में सरस्वती सर्वोपमा योगपत लिखा गया। मेरे साहब, मेरे एडीएम साहब रो रही है, रो रहे एडीएम साहब। लिखा है कि तुम्हारी पढ़ाई खातिर लाख हम अध्यापन कैली, बेच दिहली तन का सिंगार हो सजनवा, पैया खबर स्वामी अईहा भवनवा, तब बिटिया का करिहा कन्या दान हो सजनवा। तोहार लक्ष्मी एक बरस का ना, तोहार लक्ष्मी 19 बरस का हो गई बा, बिया के चल दिया सवाल ला करब, कन्या दान के चल दिया। लेकिन नीचे वाली लाइन जब एडीएम साहब पढ़े तो लिखा है कि गोदिया कथा थी हमार पाती लेके जात बाटा, देखिया देखिया मर भोलवा गवार हो सजल। ए सैया काला में सुल्ला में कोनो त्रुटि होई, हमरे मुन्ना के माफ कह दिया साहब। मेरे साथियों यही तो एडीएम साहब पढ़े, कहे कि आज खोजता हुआ मेरा औलाद, मेरा मासूम बच्चा पागल की तरह घूमता हुआ मेरे पास आया है। गाड़ी स्टार्ट किए, ड्राइवर को इशारा किए, ड्राइवर गाड़ी मोड़ो और कार्यालय से बंगले की ओर चलो। मेरे साथियों होता है क्या, भाव में कहना है, घूम गई गाड़ी साहब चालल बंगलवा बाबू, ड्राइवर कवन बात मन इतने में लाड़ गईली साप वाली गड़िया बाबू, भाई लगे जगह पर दुखा मन। ड्राइवर गाड़ी को बढ़ा रहा है अगला सर की बाजार, क्रॉस कर रही है गाड़ी, ड्राइवर को तमतमा करके एडीएम साहब ने एक थप्पड़ चला दिया। ड्राइवर साले तुम्हारी गाड़ी में रफ्तार नहीं है क्या, बैलगाड़ी की तरह चल रहा है। ड्राइवर मालिक का थप्पड़ खा करके एकाएक गियर चेंज करने लगा। गाड़ी सनसनाती हुई आगरा सर के हाईवे पर क्रॉस कर रही है। मेरे साथियों तब तक ओवरटेक करने लगा ड्राइवर एडीएम साहब का, मालगाड़ी ट्रक को ओवरटेक नहीं कर पाया। तब तक वह लखनऊ से दिल्ली जाने वाली बस और एडीएम साहब की गाड़ी का संतुलन खराब हुआ। गाड़ी मौके पर जोरदार टक्कर होता है, ड्राइवर तो मौके पर ही दम तोड़ दिया। अधिकारी घायल हुए, सिपाही घायल हुए। घायल अवस्था में 108 और 100 नंबर पहुंचती है। भारी अखिलेश यादव आपकी योजना का जितना भी गुणगान किया जाए कम है। 108 और 100 नंबर दोनों मौके पर पहुंचती है, लेकर के मेरे साथियों अग्रासर के बड़े हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। एडीएम साहब को 4 घंटा के बाद होश आया, कहे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर चेक किया, कहा कि सर आपके दिमाग में चोट लग जाने के कारण सदा के लिए आपकी आंख की रोशनी चली गई है, अब आप दुनिया नहीं देख पाएंगे। एडीएम साहब कहे दुनिया देख पाऊंगा ना पाऊं, लेकिन मुझे वह बालक चाहिए जो मेरे बंगले के इर्द गिर्द घूम रहा था, हाफ शर्ट और पैजामा पहन करके, वह कोई और नहीं मेरा खून है, मेरे पास लाया जाए। मेरे साथियों अधिकारी निकल पड़े बच्चों को की तलाश लगे करने। बच्चा खाई में गिरा लाया गया, 2.5 घंटे के बाद बच्चे को होश आया।
पूछे लगले एडीएम साहब की बेटा, और बगल में बैठी एडीएम साहब की दूसरी दुल्हन एडीएम साहब की लड़की प्रमिला भी बैठी है। एडीएम साहब ने सवाल कर दिया, बेटा तेरा नाम क्या है? हमार नाम अंकल भोला है। तोरी पापा का क्या नाम है बेटा? तब तक कलेजा फाटे लगल, अंकल मेरे पापा इस शहर के बहुत बड़े अधिकारी है, आप नाम सुनेंगे तो डर जाएंगे। तोरी मम्मी का क्या नाम है? हमार मम्मी का नाम मीना है, और हमार बहिनी बड़की है, जो हमार पापा हमरे बहिनी हमरे दीदी का नाम रख के गए हुआ, हमरे दीदी का नाम अंकल लक्ष्मी है। हमार बहिन का जब पैदाइश भइल तो हमरे पापा का नौकरी लागल यही पर। एडीएम साहब फूट फूट के रोवे लगल कि अरे पगला तेरा क्या नाम है? हमार नाम अंकल भोला, हमार पापा यही शहर में अधिकारी, हम पापा से मिलल चाहते अंकल। इतना सुनते ही एडीएम फूट फूट करके रोने लगा, अरे पगला मैं कोई और नहीं रे, मैं तेरा ही बाप एडीएम हूं, मेरा नाम जोगिंदर है। रोने लगा बेटा। एडीएम साहब ने आदेश किया, बच्चे का बाल कटवाया जाए, स्नान करवाया जाए, इसका ड्रेस चेंज करवाया जाए। ए पंचो बाल तो कट गया बेटा का, स्नान हो गया, जब कपड़वा चेंज करवावे लगलन और रोवे लगल, बेटा ना अंकल हमार मम्मी भीख मांग के लिया के बनवोले रली, हम एके ना फेंकब चचा, एके ना फेंकब। रोवे लगल लड़का, चचा एके हम निकालब। हाँ बेटा निकाल दो, निकलवाए, लेकिन एक पॉलिथीन में एक बरसाती में लड़का वह कपड़ा रख लिया कि मेरी माँ भीख मांग करके मुझको बनवाई है। रोने लगा। साथियों बिरहात आप लोगों ने बहुत सुना है, बहुत लोग गाते हैं, लेकिन भाव है लड़का वही हॉस्पिटल में पापा के देख रेख करत माई के फोन लगा दिलस के मम्मी पापा हमार मिल गए हुआ, ठीक हुआ बेटा तुहार पापा? हाँ मम्मी प्यार दहलन दुलार दहलन ना मम्मी पापा कुल चीज दहलन, लेकिन लेकिन का बात जल्दी से बतावा। मम्मी से बेटा गलत की पापा का एक्सीडेंट हो गल बा, पापा एडमिट हुआ, पापा के दुनिया ना देखा था, आंख से कुछ दिखाई ना देत बा, बाहरे दुल्हन बाहरे अधांगनी उसी ड्रेस में अपने बेटे के बताए हुए एड्रेस पर चल देती है। आईली है 8 दिन अपने सैया का सेवा बर्दाश्त हुई हॉस्पिटल में कैली, 9वां दिना जाके डॉक्टर साहब से मिली कि हे साहब ई जो एडीएम साहब भर्ती हुआ इनके कुछ दिखात रहा है ना, दिखात रहा ना साहब। कहा डॉक्टर नहीं बेटी, क्या कहना चाहती हो, तुम हो कौन? खाली ये साहब हम एडीएम साहब का नौकरानी है, एडीएम साहब का नौकरानी है। तो कहा क्या कहना चाहती है? कल ये साहब हमार दोनों अखियां निकाल के एडीएम साहब की लगा जा। डॉक्टर सवाल कर दिया, बेटी अरे पगली तू कौन है जो अंधकार में जीवन बिताना चाहती है और एडीएम साहब को नैन दान करना चाहती है? सलाह लेकर के एडीएम साहब को मीरा का एक नैन निकाल करके डॉक्टर लगा दिया, नहीं मैं तुझको अंधकार में नहीं डालना चाहता, एक नैन होगा तू दुनिया देख सकती है। भैया जब नैन लग गल 14वां दिन जब डॉक्टर साहब का पट्टी खुले लागल, डॉक्टर बताया एडीएम साहब आपकी आंख में रोशनी आ गई है, अब दुनिया देख पाएंगे। एडीएम साहब दुनिया देख पाएंगे? एडीएम साहब ने सवाल कर दिया, मैं दुनिया देखने से पहले उस देवी को देखना चाहता हूं जिसने मुझे नयन दान दिया है। बुलावल गई लड़का गैल माई से कलश की मम्मी अरे पगली अग्नि परीक्षा का समय आ गई, तू सीता सावित्री अनसुईया हो, चला अग्नि परीक्षा दे के पापा के साबित कह दा। चली है मतारी, इधर एडीएम साहब का पट्टी खुलत बा, आखिरी कड़ी का भाव है। इहारों के कहला से वही पट्टी खुला एडीएम साहब का। एडीएम साहब ख्वाब में डूब गए कि हम का देखा थे अपने दुल्हन के देखलस मीना के, दौड़ के पैर छुअल चाहत हुआ, 3 पग मीना पीछे हट गई। नहीं हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की नारी के लिए, हिंदुस्तान का पति परमेश्वर के समान होता है, अब पैर छू करके मुझको नरक में मत डालिए।
कहलस का मास्टर जनल हम के जीवन मरने दान सजनाम तो चल के बेटी दान सजाना जोगिंदर मीना भूल भइल भारी करबू न मारी दुनिया सारी जोगिंदर रोने लगा कहा कह के जन करा अपमान सजना करे सैया रो के हमारा अपमान मत करा चला आज का तारीख है 17 कल तोरे बिटिया का परसों 19 तारीख के विवाह चला अर काला जोगिंदर मीना भूल भइल भारी करबू न मत तन मारी दुनिया सारी जीवन कब अरे मर जान सजनम तो चल के बिटिया के कई द कन्यादान सजा लेकर के मेरे साथियों अपने बेटी के पास और पापा के पास वह बेटा अपने पिता जोगिंदर और माँ मीना को लेकर के अपने प्रैतिक स्थान धर्मपुर हिसार में आया। ए भाई आप अरे लड़के जोगिंदर अमीना आईली भवनवा खटिया पर गिरल रहल सूरज किसाना अरे मुहावा का बोली लग जैसे सुन शान सजनम तो चल के बिटिया के कई द कन्यादान सजा जोगिंदर को लेकर के मीना अपने प्रतीक स्थान धर्मपुर में आई और पापा के पास पहले जोगिंदर जाकर के साष्टांग प्रणाम किया। पापा मैं आपका जोगिंदर। अरे बेटा अरे पगला वही जोगिंदर है तू। जब तेरी माँ मर गई तो तुझको माँ बन के मैंने पाला है। तू तब भूल गया। अरे पगला क्या मुझसे माफी मांग रहा है? अगर मांगना चाहता है तो जा जा मीना से माफी मांग जो एक बेटे का फर्ज अदा किया है मीना ने। जाओ तुझे साक्षात नारायण भी माफ नहीं कर सकता। रोने लगा जोगिंदर। पापा आप नहीं माफ करोगे कौन करेगा? और मेरे साथियों जो एडीएम साहब की दूसरी दुल्हन जब समझ जाती है कि दूसर शादी कैले हुआ उनके पास लड़का बा बिना बतावल वहीं से हट गई धीरे से चली गई। और जोगिंदर को तब सुझ गया कि दुनिया में कोई नहीं है। गौले रंग गवैया कि तोरे बर्फील नीक मुरलवाही मितऊ क्या भाव था। और मेरे साथ ये उसी डेट पर 19 तारीख को जोगिंदर अपने बेटी की शादी किया। गरीब परिवार से बारात आने वाली थी। जाकर के सारी व्यवस्था जोगिंदर वहां किया। अपने दरवाजे पर खुशी खुशी बारात मंगवाया और बेटी को टोली में बैठा करके विदा कर दिया। और बाप और बेटा और दुल्हन को लेकर के अपने आवास पर अपने घर पर
और रहने लगा इसे मेरे विरह की आखिरी लाइन रही। गुरु बिहारी गुरु पत्तू कै खत्म हुआ दस्तान, चंद्र बलि और हौलदार जी अरे काशी का किया प्रयाण। कि डूबते को भी किनारा मिल गया, डूबते को भी किनारा मिल गया, हवलदार अशोक लाल के सतगुर का सहारा, कि डूबते को किनारा मिल गया। जन्म जन्म का साथ ये तुम्हारा हमारा हमारा